उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले सहित हमीरपुर में आज कर्मचारी, शिक्षक, अधिकारी, पेंशनर्स, अधिकार मंच के बैनर तले विशाल रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें संविदा कर्मचारी, आंगनबाड़ी, आशा बहु, संविदा एनम, कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ, प्राथमिक शिक्षक संघ, कोषागार कर्मचारी संघ, संग्रह अमीन संघ, संग्रह अनुसेवक संघ सहित कई और संघ के लोग शामिल थे, जिन्होंने बाइक रैली निकालकर अपनी मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। बाइक रैली का आयोजन चौरा देवी में किया गया था, जहां से यह रैली नगर भ्रमण करती हुई कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां रैली में शामिल सभी संघों के लोगों ने अपनी अपनी मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से संघ के लोगों ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से मांग की है कि पुरानी पेंशन बहाली की जाए व ज्ञापन के माध्यम से भेजी गई सभी मांगों को मान लिया जाए, अन्यथा की स्थिति में यह लोग 28 अक्टूबर कार्य बहिष्कार करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना देंगे, और अगर फिर भी मांगे नहीं मानी गई तो 30 नवंबर को लखनऊ के इको गार्डन में विशाल रैली करेंगे। हमारी प्रमुख मांग कर्मचारी, शिक्षक, अधिकारी, पेंशनर, अधिकार मंच के बैनर तले पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग है। उसके साथ संविदा कर्मचारी, आशा बहुएं, आंगनवाड़ी, एनम, जो शिक्षा मित्रों की, शिक्षकों की जो भी लंबित मांगे हैं, उन्हें तत्काल सरकार संज्ञान में लेते हुए हमारी मांग पूरी करे, अन्यथा 28 अक्टूबर को पूरे उत्तर प्रदेश के प्रत्येक मुख्यालय जनपदों में हमारा एक दूसरे धरना, और 30 तारीख को इको गार्डन लखनऊ में विशाल रैली, कर्मचारी, शिक्षक, संविदा कर्मी, शिक्षा में सारे कर्मचारी एक होकर इसकी लड़ाई लड़ेंगे। धन्यवाद। प्रमुख मांग ये है कि पुरानी पेंशन बहाल, एक जब समानता का अधिकार है, विधायक सांसद को पेंशन मिल रही, तो जो 30 साल 40 साल सेवा कर रहा है उसको पेंशन से क्यों बेदखल किया जा रहा है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी जब विपक्ष में थे, सांसद थे, उन्होंने पेंशन के समर्थन में पत्र लिखा प्रधानमंत्री जी को, माननीय राजनाथ सिंह जी ने लिखा, तो आज जब वो लोग पद में हैं और उस दर्द को जब विपक्ष में समझ रहे थे, तो हमारे साथियों को पेंशन बहाल करें, तभी हम पूरे सरकार के सभी योजनाओं को समर्थन देंगे, नहीं तो सरकार को हम लोग अंजाम भुगतने के लिए सरकार को हम लोग घुरजोर विरोध प्रदर्शन करेंगे।